तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने सेकंड बैच बताने वाला हूँ। जो लोग 51 लोग हैं, एक्चुअली मेरी फर्स्ट बैच थी, जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था कि मैंने 53 लोगों से ज्यादा लोगों को ठीक किया है। तो आज इस वीडियो में 51 लोग हैं, क्योंकि वो मेरा एक फर्स्ट बैच था जिन लोगों ने मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट किया था, जिन लोगों ने मुझे पूछा था पर्सनली कि कैसे इसे ठीक करते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड बैच है दोस्तों। सेकेंड बैच आफ्टर 4 मंथ 5 मंथ हो चुके हैं, मतलब वो वीडियो को अपलोड हो गए। तो ये जो मतलब मैं ऐसे ही कंटिन्यू करने वाला हूँ, 4 मंथ जैसे ही कंप्लीट होंगे एक न्यू रिकवरी, जिन लोगों ने पर्सनली कॉन्टेक्ट किया है उन लोगों के लिए, मतलब कंप्लीटली जो 100% रिकवर हुए हैं वो सभी लोगों के 4-4 मंथ्स में एक एक बैच मैं अपलोड करने वाला हूँ, जो लोग पूरी तरीके से रिकवर हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस बैच में मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, देखो सभी लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। ठीक है, ये सभी लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, और जो लोग भी मतलब ऐसे कांटेक्ट करते हैं तो इन सभी लोगों की एक ग्रुप बनती है व्हाट्सएप पे। ठीक है, मतलब जो लोग भी अपॉइंटमेंट ले लेते हैं तो वो सभी लोगों की एक ग्रुप बन जाती है व्हाट्सएप पे, और वो सभी लोगों को डे बाय डे अलग अलग ट्रीटमेंट्स मिलती है। ठीक है, उन लोगों को बताया जाता है कि कैसे इसे डील करना है। तो ये सारी चीजें जब वो लोग अच्छे से फॉलो करते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट, डाइट्स, लाइफस्टाइल चेंजेस और उनके थॉट प्रोसेस पे कैसे काम करना है, ये सारी चीजें जब वो प्रॉपरली सीखते हैं तब जाकर उनको समझ में आता है कि ये सारी चीजों को कैसे ठीक करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जितने भी लोगों ने मतलब 51 लोग हैं या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, वैसे मैं आगे आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करूंगा कि वो लोगों ने पर्सनली कैसे मुझे कॉन्टेक्ट करके अब ठीक हुए हैं। और रैंडमली मैंने लोगों से पूछा है कि आप लोगों की रिकवरीमेंट कितनी हुई है। ठीक है दोस्तों, और कुछ लोगों ने तो मुझे कमेंट में ही बता दिया है कि आपकी वीडियोस से बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे लोगों की भी कमेंट मैंने पिक की है रैंडमली। तो दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, देखो एंजाइटी को अगर ठीक करना है तो आप लोगों को एक कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि इसे हम डील कैसे करें। ठीक है, क्योंकि अगर देखो कोई प्रॉब्लम है, अगर उस प्रॉब्लम को हमें खत्म करना है तो पहले उस प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई है वो पहले हमें ज्यादातर देखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और जो दूसरी बात है दोस्तों, एंजाइटी में देखो, एंजाइटी में काफी लोग होते हैं जो लोग सिर्फ होपलेस फील करते हैं, मतलब किसी से हेल्प मांगते नहीं है। ठीक है, मतलब कैसा होता है, अगर मैं एंजाइटी में हूं या डिप्रेशन में हूं तो मैं अकेला ही लड़ रहा हूं, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहां से निकल नहीं पाऊंगा, इससे मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, है ना। मतलब ऐसा हम लोग सोचने लगते हैं कि हम कभी नहीं ठीक हो सकते एंजाइटी और डिप्रेशन से, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। 100% ये ठीक होता है, बट मेहनत बहुत जरूरी होती है दोस्तों। ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि आपको एक दिन में या दो दिन में ही फर्क दिखे। ठीक है, कंप्लीटली आपको 4 मंथ का टाइम लगता ही है, बट आप लोगों को लर्निंग मोड पे जाना पड़ता है कि आप लोगों को ये सब क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है। अगर वो रूट कॉज अगर आप पकड़ लोगे कि हाँ मुझे इसकी वजह से ऐसे प्रॉब्लम हुई, तो उसी चीज पे आपको कंटिन्यूअसली काम करना पड़ेगा। जैसे ही आप कंटिन्यूअसली उस चीज पे काम करोगे तो ये डेफिनेटली क्योर होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को आगे मैं इसी वीडियो में पूरे स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा कि आप लोग खुद भी देखिए कि लोगों ने कैसे मेहनत की है। ठीक है, कोई भी बिना मेहनत के ये सारी चीजों को ठीक नहीं कर सकता। और एक बात दोस्तों, काफी लोगों को ऐसा डाउट होता है कि एंजाइटी या डिप्रेशन होने के बाद क्या हमें चांसेस है एंजाइटी और डिप्रेशन होने के, तो नहीं दोस्तों। अगर एक बार आपने एंजाइटी और डिप्रेशन को खत्म कर दिया है रूट कॉज पे, ठीक है, ऐसा नहीं कि तुक्के पे आपने खत्म किया है उसे, अगर आपने उसे कंप्लीटली अच्छी तरीके से उसे एंड किया है, उसके रूट कॉज पे काम करके उसे खत्म किया है, तो ये जिंदगी में आपको कभी नहीं होगी। ठीक है, ये एक डाउट है। ठीक है, और जो दूसरी डाउट है ये है दोस्तों कि लोगों को जब अगर लाइक गट इश्यूज होती है या इंटेस्टाइन ठीक से वर्क नहीं करता, उन लोगों को ऐसा लगता है कि आईबीएस की प्रॉब्लम है। आईबीएस बहुत लाइक एक्सट्रीम हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये एक नॉर्मली छोटी मोटी एक गैस होती है, बट लेकिन एंजाइटी में हमारे थॉट्स जो है वो बहुत डेंजर तरीके से काम करते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए एंजाइटी में अगर आपको कोई भी छोटी सी चीज भी अगर मैं आपको बता दूं तो आप उस चीज को बहुत ज्यादा सोचोगे, डीपली समझोगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप नॉर्मल हो तो आपको वो सारी चीजें बहुत नॉर्मल लगती है। ठीक है, तो इसीलिए एंजाइटी में जो हम फील करते हैं, जो हम देखते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फील होता है हमें, क्योंकि हम एंजाइटी में हैं। बट अगर हम नॉर्मली रहते हैं तो वही चीज हमें बहुत नॉर्मल लगती है, जैसे कि आज मुझे लग रहा है। और डेफिनेटली दोस्तों आप सब भी जरूर रिकवर हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने थर्ड बैच भी रन कर रहा हूं।
ठीक है। थर्ड बैच में कुछ ऑलमोस्ट 38 लोग हैं, तो वो 38 लोगों की जो ट्रीटमेंट है 4 मंथ तक चलेगी, और इस वीडियो के 4 मंथ बाद वो वीडियो अपलोड होगी जिन लोगों जो लोग पूरी तरीके से रिकवर हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिले, लोग जो रिकवर हो रहे हैं उन लोगों को देखकर आप भी मेहनत कीजिए, आप भी जरूर रिकवर हो जाएंगे दोस्तों। तो आगे चलिए, आप सारे स्क्रीनशॉट देख लीजिए, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए दोस्तों। कोई भी अगर आप लोगों को डाउट होती है या कोई भी ऐसा मतलब क्वेश्चन रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैंने अपनी सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, ऑल द बेस्ट।